शाहपुर थाना क्षेत्र के कौवाबाग पुलिस चौकी के पास शनिवार की सुबह लगभग 4 बजे पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया, जिससे हजारों लीटर तेल सड़कों पर बह गया। लेकिन गनीमत रहा कि कोई भी हादसा नहीं हुआ, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि शनिवार को मिर्जापुर जनपद से सुनौली के लिए जा रही पेट्रोल भरा टैंकर सामने से आ रहे ट्रक को बचाने के चक्कर में विद्युत पोल से टकराकर पलट गया, जिससे टैंकर में से पेट्रोल सड़कों पर बहने लगा, जिसे स्थानीय लोगों में लूट की होड़ मच गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को वहां से भगाया तथा फर्टिलाइजर से 50 टन का क्रेन मंगाकर टैंकर को खड़ा किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए घायल टैंकर चालक और एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, रात को एक ट्रक आ रहा था, उधर से आ रहे थे, इधर से ट्रक आ रहा था, ट्रक ने हमारे ऊपर साइड दबाया, उसके बाद हम थोड़ा सा बाएं दबे, बाएं साइड का चक्का उधर नीचे कान घींच लिया, इधर पेड़ में लड़ने से अच्छा थोड़ा ऊपर करेंगे बोल के घींचे, इधर गाड़ी पलट गई। बनारस से आ रहे हैं, नेपाल जा रहे थे, सुबह के 4:30 पेट्रोल मुगल सराय से बनारस से नेपाल, तेल तो अब 4000 लीटर एक चैम्बर में है, सब में से गिरना बंद हो गया है, 5 चैम्बर हैं, लमसम 2000 लीटर तो गया होगा एक एक में से। हाँ, यहाँ पे पूरे भीड़ जमा था, पुलिस कितना डंडा मारी कितना कोई नहीं मान रहा, टोटल 20000 लीटर तेल था। आज सुबह लगभग 4 बजे के आसपास एक पेट्रोल का टैंकर कौवाबाग चौकी के सामने एक बिजली के पोल से टकरा के पलट गया था और उससे पेट्रोल धीरे धीरे रिस रहा था, तो वहाँ पर सारी सुरक्षा का प्रतिबंध कर लिया गया था, आसपास के घरों को खाली करा लिया गया था
और हमारे पास फर्टिलाइज़र में 50 टन के ट्रक को या इस वजन को उठाने की क्षमता की क्रेन थी, उसको मौके पर बुलवा के ट्रक को उठवा लिया गया है और सुरक्षित ट्रक अपने गंतव्य की तरफ सोनाली की तरफ निकल गया है।